भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का कार्यभार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनसीईआरटी को दिया। इस पहल का उद्देश्य विद्यालय जाने वाले बच्चों को स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित व्यापक ज्ञान, मनोवैज्ञानिक सहायता और सेवाएँ प्रदान करना है। इसमें 11 विषयों को सम्मिलित किया गया है। स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य, पारस्परिक संबंध, मूल्य और नागरिकता, जेंडर समानता, पोषण, स्वस्थ और स्वच्छता, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, स्वस्थ जीवन की शैली, प्रजनन स्वास्थ्य, एचआईवी की रोकथाम, हिंसा और चोटों के खिलाफ सुरक्षा, इंटरनेट से बचाव। विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण हमारे बुजुर्गों को मैं फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। और हमारे साथी जो है उनका नाम अमर कुमार बावरी है और ये खास कर पूरा कोयरी प्लस टू उच्च विद्यालय सियाल के शिक्षक है और उनका सब्जेक्ट है इतिहास अर्जुन नाम है एवं संगीत। और इनका हॉबी क्या है कि अपना परिचय देने के बाद ये गाना गाते हैं। हेलो सभी को मेरा जवाब। मेरे साथी जो है उनका नाम संजय कुमार मुंडा, बालिका उच्च विद्यालय भुरकुंडा से है और सर का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और सर का हॉबी जो है वो है आजकल जो मोबाइल में चलता है फोटो, वही है फोटो खिंचवाना। सर आपका नाम शायद आपके साथी ने सही नहीं बताया। सर मेरा नाम है अर्जुन कुमार बावरी। परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त तो हुआ है जिसको इस मंच के माध्यम से आप सब तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। जैसे पहला परिवर्तन है हमारे बच्चे सब बता रहे हैं। हाँ जो अवस्था में जो परिवर्तन होती है हार्मोन्स की उसमें नाड़ी मुस्काना, आवाज में आरीपन आना, बच्चियों में मासिक चक्र का शुरुआत होना, मुहासे का आना, गुप्त अंगों में बाल का आना और विपरीत लिंग में आकर्षित होना, वृद्धि हार्मोन से निकलने से बच्चों में उसकी हाइट ऊंचाई बढ़ती है और कम होने से उसके बाद क्या होता है बहुत हाई पिकअप बढ़ जाता है, उसका जो ऊंचाई बीटा है वो बहुत हाई स्पीड से बढ़ता है उसका वायरस और हाई स्पीड से बढ़ने के कारण ये डब्ल्यूबीसी है वो घटता है, ये डब्ल्यूबीसी घट रहा है और ये एचआईवी बढ़ रहा है। तो इतना पिकअप बढ़ता है और डब्ल्यूबीसी जब घटने लगता है तो हम लोग इसको एक्यूट फेज बोलते हैं और जब हम लोग दवा लेने लगते हैं ये क्लिनिकल वे पे चले जाते हैं तो वहां पे देखिए दोनों हल्का हल्का बैलेंस हो रहा है और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक खाए जो दवा वाला उसके अनुसार हम लोग काम किए तो मेरा कंट्रोल है, काफी दिनों तक कंट्रोल है। ऐसे डब्ल्यूपी के समापन प्रशिक्षण में सभी डीआरजी तथा डायट के शिक्षक उपस्थित थे। इसमें प्रशिक्षकों के द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन किया गया तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों ने अपने अपने फीडबैक दिए। अंत में जय हिंद सर के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। विश यू ऑल द बेस्ट।